दोस्तों, मैं हूँ अताउल्ला और आप देख रहे हैं अता इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए नई वीडियो हासिल करने के लिए। तो चलिए नई वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक 10 किलोवाट का 10,000 वाट्स का रेगुलेटर है। इसमें ये ट्रांसफार्मर है, बड़ा नज़र आ रहा है, और इसमें ये आठो रीला है, तो जिसके 220 वोल्ट से बिजली ज़्यादा हो जाए तो ये ट्रिप करती है। और ये वोल्ट मीटर है और ये बैंड लगा हुआ है। इसमें एक से लेकर 11 तक ये वायर आए हैं, ये अलग अलग बैंड से फिर 1, 2, 3 ये कन्वर्ट होता जाता है और बिजली 220 तक हमें पूरा करके देती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंड को आपने कैसी तब्दील करना है। तो ये 4 इंच का बैंड है, आप जब दुकान से लेंगे, ये 300 का आता है तकरीबन, तो वो लेंगे आप और आप फिर चेंज करेंगे। ये तकरीबन एक सीज़न में ख़राब हो जाता है। ये बैंड आपने चेंज करना है और इसको लेना है आपने। ये 4 इंच का है, 10,000 वाट्स में लगता है, और इसके ये जो पॉइंट है ये गर्म होकर फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर एक पॉइंट जल जाए तो भी इसको तब्दील करना पड़ता है, और इसका ये जो बैंड है ये भी ख़राब हो जाता है। इसके अंदर ये ऐसी जबान जैसी पीतल वाली होती है, वो जब निकल जाए तो भी तब इसको तब्दील करना पड़ता है। तो ये इसके स्क्रू के होल हैं, इसमें ये आपको सब वायर लगाने हैं। तो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो आपने सबसे पहले ये पेज खोलने हैं, साइड के जो 4 लगे होते हैं इसको पहले आपने खोलना है। ये जो पतला तार है ये गंटी को दिया है, और ये 6 नंबर का जो बैंड है इसके साथ लगा। दोस्तों, ये एक 10 किलोवाट का 10,000 वाट्स का इसमें ये ट्रांसफार्मर है, बड़ा नज़र आ रहा है, और इसमें ये 8 रीडा है, जो जिसकी 220 वोल्ट से बिजली ज़्यादा हो जाए तो ये ट्रिप करती है। और ये वोल्ट मीटर है और ये बैंड लगा हुआ है। इसमें 1 से लेकर 11 तक ये वायर आए हैं, ये अलग अलग बैंड से फिर 1, 2, 3 कवर होता जाता है और बिजली 220 तक पूरा करके देती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंड को आपने कैसी तब्दील करना है। तो ये 4 इंच का बैंड है, आप जब दुकान से लेंगे, ये 300 का आता है तकरीबन, तो वो लेंगे आप और आप फिर चेंज करेंगे। ये तकरीबन एक सीज़न में ख़राब हो जाता है। ये बैंड आपने चेंज करना है और इसको लेना है आपने। ये 4 इंच का है, 10,000 वाट्स में लगता है, और इसके ये जो पॉइंट है ये गर्म होकर फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर एक पॉइंट जल जाए तो भी इसको तब्दील करना पड़ता है, और इसका ये जो बैंड है ये भी ख़राब हो जाता है। इसके अंदर एक ऐसी जबान जैसी पीतल वाली होती है, वो जब निकल जाए तो भी इसको तब्दील करना पड़ता है। तो ये इसके स्क्रू के होल हैं, इसमें ये आपको सब वायर लगाने हैं। मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो आपने सबसे पहले ये पेज खोलने हैं, साइड के जो 4 लगे होते हैं इसको पहले आपने खोलना है।
ये जो पतला तार है ये घंटी को गया है, और ये 6 नंबर का जो बैंड है इसके साथ लगा।